कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में रविवार को ख्रीस्ट राजा का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। सिविल लाइन स्थित कार्मल स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने भजन व उपदेश के बीच प्रभु यीशु को याद किया और उनके राजा होने की खुशियां मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस थिरुपट्टम व भूतपूर्व बिशप डॉमिनिक कोकट के नेतृत्व में यीशु ख्रीस्त याग कार्मल स्कूल व सेंट जोसेफ कॉलेज परिसर में विशेष रूप से तैयार किए गए पूजन मंच पर हुआ। इस महापूजा में मसीही यीशु वासियों ने प्रभु यीशु मसीह के को सृष्टि का राजा मानकर उसकी स्तुति करते हुए ईश्वर की कृपा दानों के लिए एवं ईश्वरीय राज के मानवीय हृदयों के स्थापना के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में सेंट जोसेफ के पल्ली पुरोहित फादर ग्रेगरी, धर्म प्रांत के चांसलर फादर अब्राहम, फादर पॉली, फादर बेनी, फादर मंसी, फादर रोजर के साथ विधि पल्ली काउंसलिंग के सदस्य मौजूद रहे। इसी क्रम में सेंट जॉन चर्च बशारतपुर के आमद के इतवार की तैयारी में यूथ फेलोशिप द्वारा ओपन माइक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ की पत्नी पुरोहित फादर ग्रेगरी ने कहा, तुम्हें मेरे हवाले किया तुम, यदि मेरा राजी संसार का होता तो मेरे अन्यायी उसने उनसे कहा, तो तुम और बहुत सारे लोग उनके साथ रोज उनकी बातें सुनने के लिए रोज चलते थे। जब उनके दुश्मन को ये बात पता चला तो एक दिन वो पकड़ा गया और मरने के लिए इस तरह क्रूस पर लटका दिया। मैं बच्चे को समझाया, बच्चे बहुत खुश हो गया, वो अपना क्लास चला गया। फिर भाई और बहनों, शायद हम लोगों के लिए एक कहानी हो सकती है या कहना हो सकती है, लेकिन इसमें एक आदर्श भाव हुआ है कि उस बच्चे प्रभु यीशु को कैसे पहचाना। आज मैं भी आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं और आप प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में कैसे पहचानते हैं। हम वचन थोड़ा सा गहराई पर चिंतन करके देखें। पुराने विधान में नबियों ने प्रभु को पहचाना। नबियों में से प्रमुख नबी इसयास नबी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसयास नबी के ग्रंथ अध्याय 7 बाकी 14 में हम एक वचन पढ़ते हैं जहां ईश्वर द्वारा आहाज को बल कहते हुए वचन लिखा गया है। प्रभु ईश्वर आहाज से कहते हैं, मैं आज तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, ये वह है एक बालक उत्पन्न हुआ, एक क्वारी गर्भवती है एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम ईसा रखेगी। मेरा नाम फादर ग्रेगरी है, जो सेंट जोसेफ महाग्रजागर के पल्ली पुरोहित है। इस राजा का पर्व हम मना रहे हैं, इसमें हमारे प्रभु यीशु को क्रिस्त को हमारा राजा मानते हुए हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सारी मानव जाति की प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु के चरणों तले रखते हुए प्रार्थना करते हैं।